मैकेनिक भाइयों, ये है ब्रांड न्यू पैशन प्रो BS6 प्रोग्राम एंड FI। 3D लोगो में FI की बेजिंग देखने को मिल रही होगी। बड़ी समस्या इसके अंदर जो है, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी हमारी इजीली स्टार्ट हो जाती है, बट मेन जो समस्या इसके अंदर है RPM फ्लक्चुएशन का। गाड़ी का RPM फ्लक्चुएट करता है, और अभी इसके अंदर मैं OBD लगाया हूँ और जैसे ही गाड़ी के ECM को रिफ्रेश करूँगा तो मीटर से चेक लाइट चला जाएगा। अभी देखें, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो चेक लाइट नहीं जाएगा। ये देखें, चेक लाइट बना है, RPM भी फ्लक्चुएट कर रहा है, और जैसे ही OBD से रिफ्रेश करेंगे ये चला जाएगा। बट मेन कस्टमर जो परेशान है कि गाड़ी जैसे ही कुछ किलोमीटर तक चलती है और ऑटोमेटिक फिर से चेक लाइट आ जाता है, और जैसे ही OBD लगाने के बाद मैं इसके अंदर DTC लुकअप करता हूँ या डायग्नोस करता हूँ तो इसके अंदर मेन जो खराबी देखने को मिलती है वो सिर्फ के सिर्फ यहाँ पर लगा जो ऑक्सीजन सेंसर है उसका बार बार एरर आ रहा है। क्योंकि वो खड़ी गाड़ी में इसलिए डिटेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि ये अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे मैकेनिक भाई जो कंफ्यूज थे कि चाहे वो पैशन हो, HF डिलक्स हो, ग्लैमर हो, स्प्लेंडर हो, जिसके अंदर स्टार्ट करने के बाद RPM ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करता है, 1800 से प्लस RPM चला जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर मीटर में चेक लाइट बना रहता है और रिफ्रेश करने से चला जाता है, और जैसे गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चलाते हैं फिर से आ जाता है, जब चेक करें O2 सेंसर फॉल्ट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीजन सेंसर का कौन सा ऐसा पी कोड देखने को मिलेगा, कैसे चेक करेंगे और कैसे 100% सोल्यूशन निकालेंगे। अभी इसके अंदर जो DTC जनरेट हुआ है, दो कोड अभी इसके अंदर एक्टिव है। चलिए मैं देखता हूँ कि वो दो कोड कौन सा है। वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी वीडियो, क्योंकि RPM फ्लक्चुएशन का काफ़ी समय आपके पास प्रॉब्लम आया रहेगा। देखिए, और उसके साथ जो ऑक्सीजन सेंसर का आपको पी कोड देखने को मिलेगा वो आपको OBD लगाने के बाद P0131 का कोड आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से मेन इसका वर्किंग एंड टेस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आपके पास कोई सी भी ऐसी स्कूटर या बाइक ये प्रॉब्लम लेकर आती है कि जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिकली RPM फ्लक्चुएट कर रहा है, या फिर गाड़ी कुछ किलोमीटर तक चली उसके बाद मीटर में चेक लाइट जनरेट हो गया, तो उसकी मेन जो खराबी देखने को मिलती है वो दो सेंसर्स के अंदर ज़्यादातर खराबी आती है। वो है एक हमारा EOT, ये जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, या फिर हमारी गाड़ी का ऑक्सीजन सेंसर जो लगा हुआ है उसके अंदर खराबी देखने को मिलती है। दो सेंसर खास जब ख़राब हो जाता है, जब आपकी गाड़ी में RPM फ्लक्चुएशन और गाड़ी चलते चलते बंद होती है, और चलते चलते जब बंद होती है तो मीटर में चेक लाइट आना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ एक और एक्चुएटर के अंदर ख़राबी आती है, वो है ISAV वाल्व। चलिए मैं आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर करने के लिए, यहाँ पे देखें लॉन्च का मैंने ये डिजिटल स्कैनर लगाया है। अब इसके अंदर मैं रीड कोड के ऑप्शन को टच करूँगा, ये DTC लोडिंग हो रहा है। देखिए, फर्स्ट नंबर पे जो एरर दिख रहा है, करंट फॉल्ट है यहाँ पे, ये पेंडिंग नहीं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये क्या फॉल्ट है, करंट फॉल्ट है। और करंट फॉल्ट में जो दिख रहा है, इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर हाई, यानी पहला जो RPM फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इसके इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर से करंट फॉल्ट है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और देखेंगे कि इसके दूसरे नंबर पर क्या है, तो दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है आइडल एयर कंट्रोल सर्किट, यानी जो ISAV वाल्व लगा हुआ है इसका प्रॉब्लम दिख रहा है, और इसका भी जो प्रॉब्लम है वो करंट फॉल्ट पे बना हुआ, यानी अभी भी हमारे ECM के अंदर ये डाटा स्टोर है कि इसका ISAV वाल्व परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा, इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर परफेक्ट तरीके से काम नहीं कर रहा, जिसके वजह से हमारी गाड़ी के अंदर RPM फ्लक्चुएट कर रहा है। तीसरा अगर फॉल्ट देखें तो ये पेंडिंग फॉल्ट है आइडल एयर कंट्रोल वाल्व का, ये पहले भी था और ये अभी भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दो जो सेंसर का कोड दिखा, पहला है P0511 और दूसरा है P0511, ये आइडल कंट्रोल का, और यहाँ पे जो कोड है दूसरे नंबर का P0198, यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तीन सेंसर को काउंट किया है, एक इसके यहाँ पे लगा EOT, दूसरा इसका ऑक्सीजन और तीसरा ISAV वाल्व, बट यहाँ पे सिर्फ दो सेंसर का इसलिए एरर है क्योंकि अभी इसका ऑक्सीजन सेंसर एक्टिव मोड पे नहीं है। वो कब एक्टिव होगा, जब हमारी गाड़ी 3 से 5 किलोमीटर तक चलेगी, जब वहाँ से ECM को डाटा नहीं मिलेगा,
जब मीटर में चेक लाइट जलना शुरू हो जाएगा, और उस समय जब आप OBD लगाएंगे तो O2 सेंसर लो सर्किट या O2 सेंसर हाई सर्किट P01311। अभी तक आप सभी मैकेनिक भाइयों को क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन से ऐसे सेंसर्स और कौन से ऐसे एक्चुएटर्स के फॉल्टी होने से आपकी गाड़ी में RPM फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम और गाड़ी के अंदर जो है चलते चलते मीटर में चेक लाइट आने की जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है वो किससे होती है। तो ज़रूरी नहीं मैकेनिक भाइयों के सारे सेंसर ही ख़राब हो गए हो सकता है उसको रेफरेंस वोल्टेज ना मिल रहा हो सकता है सिग्नल वाले वायर ख़राब हो, या फिर हो सकता है कि उसके गाड़ी का जो सेंसर का ग्राउंड वायर होता है वो ख़राब हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें कैसे पता करना है उसे बताने से पहले मैं बताते चलूँ कि ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ मैंने मैकेनिक TV के ऊपर बना रखा है जिसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे सेंसर्स एक्चुएटर्स की वर्किंग टेस्टिंग और कैसे काम करता है और कब ख़राब हो जाए तो कैसे चेक करना उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैकेनिक TV को थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको वहाँ पे वो सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेगा ISAV वाइल का, EOT का और इसके ऑक्सीजन सेंसर का। बट चलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि ये जब प्रॉब्लम आए आपके पास RPM फ्लक्चुएशन का तो कैसे कैसे आपको चेक करना चाहिए। सबसे पहले चेक करना होता है ISAV वाल्व, और ISAV वाल्व को चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करने के बाद इसके ISAV के कपलर को ओपन करेंगे और चाबी स्विच को ऑन कर देंगे। अब जैसे चाबी स्विच ऑन करेंगे तो इसका ये जो वायर है ब्राउन प्लस जो येलो कलर का, इसके अंदर रेफरेंस वोल्ट जो है इनपुट 5 वोल्ट का चेक करना है, क्योंकि ECM से वोल्टेज आता है। देखें 4.41 का आपको रीडिंग देखने को मिल रहा होगा मल्टीमीटर में। इससे पता ये चलता है कि ये जो ISAV वाल्व है इसको वर्क करने के लिए जो ECM यहाँ पे जो इनबिल्ड ECM है इसके थ्रोटल बॉडी के अंदर वो इसके यहाँ तक रेफरेंस वोल्टेज भेज रहा है इसको वर्क करने के लिए। उसके बाद भी अगर खराबी हो रही हो तो ये चारों वायर का आपको इसके मल्टीमीटर के बीप मोड पे सेट करके कनेक्टिविटी चेक करना है। यहाँ पे एक वायर लेना और दूसरा वायर इसके ECM में लेना है और ये देखना है कि बीप बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि जो सिग्नल वाला वायर है वो बीच में से कहीं क्रैक तो नहीं। अभी अगर देखें मैं जैसे इसके सिग्नल का चेक कर रहा हूँ तो रीडिंग कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, बट बीप का कोई भी ऐसा साउंड नहीं है क्योंकि मैंने वायर टू वायर कनेक्ट नहीं किया है। सेम इसी प्रकार से इसके यहाँ पे लगा EOT सेंसर का रेफरेंस लेंगे कि इसके अंदर वर्किंग इनपुट जो वोल्टेज आना चाहिए ECM से वो 5 वोल्ट का आ रहा है कि नहीं। तो इसे ओपन करना है, फिर से मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर देना है। यहाँ पे EOT में भी हम वही सेम प्रोसेस का उपयोग करेंगे। यहाँ पे कलर कोड जो रहेगा येलो प्लस ब्लू कलर का, इसके अंदर रेफरेंस 5 वोल्ट का आएगा। यहाँ पे अगर देखें तो ECM से जो आने वाला इनपुट वोल्टेज है वो 5 वोल्ट का है। फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है बट इतना होना चाहिए, अगर 1 या 2 वोल्ट का है तो आपकी गाड़ी का ECM ख़राब हो सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरा वायर है सिग्नल के लिए जो इसका EOT का डाटा इसके ECM तक पहुँचाता है उसे कैसे चेक करना है देखें। 20 वोल्ट से इसके डायरेक्शन को चेंज करके हम बीप मोड पे ले आएंगे और अभी येलो प्लस ब्लू में चेक किए हैं, इसे हटा के हम ग्रीन वाले वायर में एक वायर टच कर देंगे और दूसरा वायर इसके ग्राउंड से ऐड करेंगे तो बीप का साउंड आएगा EOT में। आप याद रखें ये देखें साउंड उत्पन्न हो रहा है। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि इसका रेफरेंस वोल्टेज भी परफेक्ट है, इस गाड़ी का जो सिग्नल का वायर है वो भी परफेक्ट है। अब क्या खराबी हो सकती है, हो सकता है कि इसका ये जो EOT सेंसर है ये परफेक्ट तरीके से काम ना कर रहा हो। तो इसे टेम्परेचर के अंदर फेर बदल करके कैसे चेक करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए मैं इसके जो ऑक्सीजन सेंसर है उसे चेक करना कैसे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर है, अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर जल्दी डाटा शेयर करता नहीं है, तो उसको कैसे चेक करना है वो आप ज़रूर जान लें। देखिए यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है ये अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर है, और यहाँ पे हमारे मैकेनिक भाइयों को मेन कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि सेंसर जब नया भी असेंबल कर देते हैं उसके बाद भी मीटर में चेक लाइट आता है और जब OBD लगाते हैं तो बार बार ऑक्सीजन सेंसर का एरर आता रहता है रिफ्रेश करने के बाद भी। तो ऑक्सीजन सेंसर नया लगाने के बाद एरर जब जाएगा, जब आप अपनी गाड़ी को 3 से 5 किलोमीटर तक चला लेते हैं, जब आपकी गाड़ी से मीटर में चेक लाइट जाएगा, जब तक आप गाड़ी को नहीं ड्राइव करेंगे ऑक्सीजन सेंसर ऐड करने के बाद, जब तक आपकी गाड़ी से चेक लाइट नहीं जाएगा, क्योंकि ये अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर है।
अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर इसलिए क्योंकि इसके वर्किंग के लिए एक भी जरा सा इनपुट वोल्टेज नहीं आता है। मैं आपको चलिए दिखाते हैं इसके वायरिंग के बारे में, समझाते हैं कौन सा वायर किसके लिए है। ये जो ब्लैक कपलर है ये इसके ऑक्सीजन सेंसर का है। इसके अंदर दो वायर होता है, एक इसके सेंसर के सिग्नल के लिए है और दूसरा सेंसर का ग्राउंड है। इसमें इनपुट वोल्टेज का कोई भी ऐसा वायर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ईसीएम से, ना इसके बैटरी फ्यूज बॉक्स से, कहीं से भी इसको इनपुट वोल्टेज नहीं मिलता है। तो कैसे इसे चेक करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को वहाँ पर ऐड कर देंगे और डायरेक्टली इसे लेते आएंगे 200 ओम पे, और इसके अंदर जो रीडिंग देखने को मिलेगा सिर्फ के सिर्फ वन रीडिंग देखने को मिलेगा। जितने भी सारे अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर है, चाहे वो हमारा पल्सर हो, चाहे वो होंडा की गाड़ी हो, चाहे वो हीरो की गाड़ी हो, सब में अनहीटेड ऑक्सीजन सेंसर का जो रीडिंग सिर्फ के सिर्फ वन देखने को मिलेगा। तो मैकेनिक भाइयों, आपको इस वीडियो से क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन से ऐसे दो सेंसर है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी के अंदर मेन जो है आरपीएम फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम होता है, और एक एक्चुएटर इसके साथ इनबिल्ड है आईएससीवी वाल्व, जिससे भी आरपीएम फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम होता है। और गाड़ी जब चलते चलते बंद हो रही हो और उस कंडीशन में मीटर में चेकलाइट आ रहा हो तो ऑक्सीजन सेंसर जरूर से ज़रूर चेक करें। चेक करने का वीडियो मैंने दिखाया किस तरह से इसे चेक किया जाता है, और डिटेल में सेंसर को एक्सप्लेन करना हो, आपको अच्छे से समझना हो, तो आप और सारे वैसे वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पैशन प्रो को डिटेल में कवर किया है, काफ़ी डिटेल में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बट वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर गाड़ी ज़्यादा आरपीएम फ्लक्चुएशन करती है, सारे सेंसर्स और एक्चुएटर को चेक कर लिए हैं, कोई भी ऐसा एरर नहीं है, तो एक बार इसके एयर फिल्टर को ज़रूर रिमूव करें। परफेक्ट तरीके से एयर फ्लो इसके थ्रोटल बॉडी को मिलेगा जब हमारी गाड़ी का आरपीएम एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो जब भी आरपीएम फ्लक्चुएशन सेंसर से ना हो तो एयर फिल्टर को ज़रूर से ज़रूर चेक करें कि वो कहीं चॉकअप तो नहीं है।